हेलो सेलकम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। क्योंकि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, समर सीज़न में जो है हमारी स्किन में गर्मी दाने शुरू निकलने शुरू हो जाते हैं, जो और चेहरे को ख़राब करते हैं, इचिंग शुरू हो जाती है, रेडनेस शुरू हो जाती है। तो इसके लिए मैं आज के आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रिकली हीट फेस मास्क तैयार करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है, बनाने में बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए जो है हमें आम की गुठलियों की ज़रूरत पड़ेगी, और आम की गुठलियाँ जो है तकरीबन हर घर में अवेलेबल होती है, क्योंकि जो कि आम का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और हर घर में बहुत शौक से इस्तेमाल होता है। तो ये फ्रूट जो है खाने के साथ साथ मज़ेदार होने के साथ साथ ये इसके जो है गुठलियाँ हैं वो भी बहुत काम में आती हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो इसके लिए इस रेमेडी के लिए मैंने जो है ये आम की गुठली ले ली है, आम एक आदर आम की गुठली लेनी है इसको बनाने के लिए। जब हम इसको आम की गुठली को हम तोड़ेंगे तो वो कुछ इस तरह से जो है इसका सीड हमारे पास मिल निकलेगा, ये कुछ इस तरह का ये सीड है, देख लें अंदर से जो है ये इस तरह का है कुछ। तो इसके जो है मैंने ये जो है इसके ऊपर एक छिलका भी होता है, तो इसको जो है आप निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो है इसको अपने हवनदस्ते में पहले कूट लेना है, कूटने के बाद इसको जो है ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। इसके साथ ही इसका हल्दी को हाफ टी स्पून हल्दी ले लेनी है, उसको हल्दी को ऐड करके इसका हमें पेस्ट बना लेना है, जो कि कुछ इस शक्ल का होगा। ये देखें ये मैंने पेस्ट बना के पहले से रख लिया है। ये एक आम की गुठली है मेरे पास, इसको ग्राइंड किया है, पानी के साथ इसको ग्राइंड कर लेना है। हल्दी भी आप ऐड कर सकते हैं, हल्दी आप इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब हल्दी ली है मैंने, तो हाफ बाद में भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके साथ ही मिक्स करके कर लिया था, ऐड ग्राइंडर के साथ ही जो ग्राइंड करने के लिए जब इसको मैंने डाला तो साथ में हल्दी ऐड कर दिया था, मिक्सिंग बहुत अच्छी हो गई थी इसकी। ये देखिए इस तरह का पेस्ट हमारे पास मिल गया है हमें। फिर इसको जो है लगाने का मैं तरीका आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रिकली हीट फेस मास्क हमारा रेडी हो चुका है, सिर्फ 2 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है, बनाने में भी बहुत आसान है। थोड़ी सी मेहनत होती है मगर मतलब बनाना बहुत ही आसान है और लगाने में भी बहुत आसानी है। तो इस मास्क को हम बना करके फ्रिज में रख सकते हैं, 2 से 3 दिन के लिए रख सकते हैं। अगर ये ड्राई हो जाए तो आप इसके अंदर पानी या तो रोज़ वाटर जो है आप ऐड कर सकते हैं, पानी के साथ भी इसको हम बना सकते हैं। तो इसको हम जो है ना ये ख़राब होने वाली कोई चीज़ नहीं है, जो ये ख़राब होता है 2 से 3 दिन हम इसको सेव कर सकते हैं आसानी। तो अब इसको हम लगाने के तरीका मैं बता देती हूँ आपके, कि इसको लगाने के लिए अपने चेहरे पर जो है इसको हमने अप्लाई करना है हल्का। जब इसको बना लेंगे पेस्ट तो इसको लगाएंगे। ये देखें ये बिल्कुल पेस्ट नहीं है, ये तो दानेदार सा जो है हमारे पास पेस्ट रेडी हुआ है। तो इसको जो है हम अपने जब लगाएंगे चेहरे पर तो हल्का हल्का इसको हमको मसाज करना है। मसाज करने के बाद जो है इसको हमने 10 to 15 मिनट्स के लिए को हमने छोड़ देना है। तो ये जो 15 मिनट्स के अंदर ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी, ये 5 मिनट के अंदर तो ड्राई हो जाएगी। मगर आपने इसको 10 to 15 मिनट तक इसको अपने चेहरे पे लगा लेना रहने देना है। फिर आप इसको सादे पानी से आपने वॉश कर लेना है। इस तरह से आपको ये दिन में 3 दफ़ा अप्लाई करना है, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देता है, आपको गर्मी दानों से ख़त्म करने में हेल्प करेगा, उसके रेडनेस और उसके जो इचिंग होती है उसको ख़त्म करेगा। इसके साथ साथ ही इसमें जो हल्दी ऐड किया है ये एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, स्किन को वाइटिंग देता है, तो हम ये हमारी स्किन को वाइटिंग इफेक्ट भी देगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। बनाने में बहुत ही आसान है और जल्दी बनने वाला मास्क है प्रिकली हीट फेस मास्क हमारा रेडी हो चुका है। इसको आप बना करके आप अपने फ्रिज में सेव कर सकते हैं, बहुत ही आसान बनने वाला फेस मास्क, उसको बनाएं और लगाएं, फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।